नमस्ते। अर्ध मत्स्येन्द्र आसना, सिटिंग हाफ स्पाइनल पोज। सो सिट ऑन योर हिप्स, योर बैक स्ट्रेट, राइट नी बैंड करके लेफ्ट साइड रखिए, राइट हैंड बैक साइड। लेफ्ट हैंड से राइट एंकल पकड़ना है या राइट नी को स्ट्रेच करिए राइट साइड। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड कीजिए। अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। सिट ऑन योर हिप्स, योर बैक स्ट्रेट होनी चाहिए एंड लेफ्ट हैंड से आपको राइट एंकल पकड़ने का ट्राई करना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं होगा बट आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अपर बॉडी जैसे ट्विस्ट होगी उतना प्रॉपर होल्ड कर पाओगे। सेम आप सेकेंड नी बैंड कीजिए एंड सेम स्ट्रेच करना है नॉर्मल ब्रीथ में। पोस्चर बिगड़ना नहीं चाहिए। शोल्डर्स डाउन, बैक स्ट्रेट एंड सीट ऑन योर हिप्स। दिस इज़ द बेस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज। सो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देख रहे हो पोस्चर सही होना चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल करके आप वापस आइए। सेम जब भी आप कोई भी पोस्चर की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड। आप फिर से देखिए, लेग बैंड किया, अपोजिट हैंड से अपोजिट एंकल पकड़ा, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड। स्टार्टिंग में आप एंकल ना पकड़ पाओ तो पोस्चर मीन बैक बैंड करके नहीं पकड़ना है, इट्स ओके। आप जस्ट नी पे हाथ रखिए एंड स्ट्रेच कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप एडवांस तक जा पाओगे एंड ट्विस्ट प्रॉपर आपका इम्प्रूव होगा। ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत हेल्पफुल रहता है। दिस इज़ दी बेस्ट फॉर आर स्पाइन। सो फ्रंट साइड से दिखा रहे हैं, नी बैंड एंड स्ट्रेच, कीप ब्रीथिंग। आपके शोल्डर्स बहुत अप नहीं होने चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ रखनी है, आईज ओपन रखनी है एंड ट्राई टू होल्ड। इनहेल एंड एक्सेल करके स्लोली वापस आ जाइए। Normal breathe and relax. Thank you so much. Stay healthy and happy.